भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र जालंधर की ओर से पंजाब प्रांत की औद्योगिक नगरी जालंधर शहर में नूतन वर्ष के पावन प्रसंग पर श्रीमद आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी आदि थाना का भव्य अति भव्य मंगल प्रवेश भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र न्यू जवाहर नगर में हुआ। नववर्ष के शुभ अवसर पर हजारों की संख्या में प्रभु भक्तों ने आचार्य जी के मुखारविंद से प्रवचनों का श्रवण कर अपना जीवन सफल किया। इस अवसर पर आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज ने कहा कि जब वे जालंधर आगमन के लिए चले थे तो उन्हें भक्तों ने अपने निवास स्थान पर ठहरने का आग्रह किया, जिसके बाद वह सोच विचार में पड़ गए कि किस भक्त के घर निवास किया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने 295 कोहिनूर हाउस न्यू जवाहर नगर स्थित स्वर्गीय सुरेंद्र पाल जैन के निवास स्थान पर ठहरने का आग्रह स्वीकार किया। इस अवसर पर गुरु महाराज के शिष्य कार्य दक्ष मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज और ज्ञानानंद महाराज भी शामिल रहे। तो वहीं आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज ने स्वर्गीय सुरेंद्र पाल जैन की जैन समाज को दी गई 51 लाख रुपयों की धनराशि की भेंट सेवा की सराहना करते हुए कहा कि सुरेंद्र पाल जैन परिवार की सेवा को कभी नहीं भुलाया जाएगा और आज उनके दिए गए संस्कारों को उनका बेटा निपुण जैन समाज की सेवा कर निभा रहा है। इस दौरान स्वर्गीय सुरेंद्र पाल जैन के सुपुत्र निपुण जैन को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। तो वहीं जैन परिवार के सदस्यों निपुण जैन, विनेश जैन, कमल जैन की ओर से आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी का जालंधर पधारने पर धन्यवाद किया गया। आज साथ में ही कल मैं जब जालंधर आ रहा था, बस बुलाया बैठे थे और काफी भक्तों की भावना थी, गुरुदेव आपका स्वयं जालंधर पधार जाएंगे तो राजनीतिकता का लाभ हमें दिया जाए कई लोगों की भावना। लेकिन मेरे मन में आया कि भैया जो मेरे जैसे जुड़ा एक व्यक्तित्व था जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता, सुरेंद्र पाल जी है, आज चाहे वो हमारे बीच नहीं लेकिन हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए उनका स्थान स्थायी है और उन्होंने इस संघ समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ा योगदान है। आज यह जो न्यू जवाहर नगर का है आराधना केंद्र इसमें स्थिति में आज इस मुकाम तक पहुंचा है, सभी का योगदान है, सभी का साथ है, लेकिन उसमें उनके योगदान को भी, सुरेंद्र पाल जी के योगदान को भुलाया है। पालीदान की मुझे भूमि पर ही मेरा आचार्य पद का समारोह था, उस समय भी काम जी उड़ाने का लाभ भाई सुरेंद्र पाल जी से जुड़ा हुआ था। जैसे अंतिम दिनों में भी जबकि उनके आगे जाने की कोई स्थिति नहीं थी, मैं राजस्थान के त्रिपुरा गांव में था और उस समय भी परिवार को बिना कुछ बताए, जबकि अकेले कहीं पर भी उनका आना जाना सही नहीं था, ऐसी स्वास्थ्य स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवार को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया और सीधा अकेले मेरे पास त्रिपुरा। दिल की बात है कि मैंने आश्वासन दिया और उसके बाद आने के बाद उनका साथ दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया हमारे बीच से। मैंने कल साथ से कहा है कि भैया बाबू मैं रात्रि के साथ तेरे हाथ चिंता करी, रात को भी बब्बू ने कहा गुरुदेव आप ये न मानना कि सुरेंद्र पाल चला गया, हम आज भी आपके लिए उसी तरह से खड़े हैं, हमारे जो भी आदेश होगा आदेश देना। मैंने कहा सुबह बात करेंगे, उसमें मेरे सहज में सब बात चली और कहा कि भैया बोले गुरुदेव हमारे जो भी आदेश हो आपका आदेश से हम आते बन।
मैंने सर भी एक आध मिनट बात करी कि मैंने भैया लेट हो रहा हूँ, मुझे निकलना है। मैं गुरुदेव आदेश दो, मैंने कहा भैया ये चातुर्मास पाली करना करने की मेरी भावना है, संयोग से आज नव वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है। इस जो भी इच्छा हो, अभी तक मैंने किसी को कहा नहीं, आज से शुरुआत करने जा रहा हूं। तेरी जो भावना हो पहले ये तुरंत महात्मा खड़ा करूंगा। और अभी तो मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तो 5-11 किस तरह सोच रहा था। लेकिन वो गुना का गुरुदेव आपका पालीताना की पुण्य भूमि पर चातुर्मास और जहां पर हमारे पिताजी ने आपको आचार्य पद में काम भी उड़ाई हो, आदर की ज्यादा समर्पित की हो, उस पुण्य भूमि पर चातुर्मास तो गुरुदेव मेरी ओर से 51 लाख रुपए की राशि में कितनी उदारता सुनो। कितना करीब होगा
जब से सुरेंद्र पाठक से जुड़े थे वर्षों वर्षों का संपर्क रहा, लेकिन मुझे एक भी प्रसंग ऐसा याद नहीं जब जब भी जो कुछ भी कहा उन्होंने कभी इनकार किया। मुझे एक भी प्रसंग याद नहीं, जो कहा जितना कहा उसे अधिक उन्होंने दिया। और आज यही परंपरा उनके बच्चे भी निभा रहे हैं। मैंने सोचा था 11 लाख दे दें बहुत बड़ी बात है, लेकिन बोले नहीं बोले, एक काम ना कर दिया। बहुत ज्यादा कई अंतरंगता थी, बहुत ज्यादा निकटता थी परमात्मा बात में, जहाँ भी हो उनको शांति समाधि दे, अपनी जरूरत उठा दे।